हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ क्विज की अपडेट लेके आता हूँ। तो छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं और सभी लोग जा चुके हैं, पूरे स्टाफ क्वार्टर ऐसे हो चुके हैं सुनसान, लेकिन व्लॉगिंग जैसा करने का मेरा फिलहाल मन नहीं है। तो कल जो वीडियो मैंने बताया था कि KBS रिक्रूटमेंट 2022 पे केस कर दिया है, कोर्ट केस कर दिया है कई बच्चों ने, क्योंकि उनके साथ क्लियरली अनफेयर हुआ है। और ये कोई भी देख के बता सकता है कि उनके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स थे और उन्हें इंटरव्यू में 10 से 12 नंबर, 15 नंबर भी नहीं मिले। तो ऐसे एक दो बच्चे होते तो समझ आता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे। तो फिर बच्चों के मेल आ रहे हैं कि सर, इस इशू का जो आपने बताया है, इससे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो कई बच्चे गैस कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022 पे स्टे आ जाएगा। तो क्योंकि यूट्यूबर्स उन्हें बता रहे हैं, मैंने कहा ना, यूट्यूब एक दुकान है, यहाँ जो आप कहोगे वो बिकेगा, जैसे आप कहोगे वैसे बिकेगा। तो पहली बात तो ये भर्ती स्टे वगैरह कुछ नहीं आएगा, ये भर्ती ख़त्म ही हो चुकी है। ख़त्म मतलब फाइनल स्टेप तक जा चुकी है। बस ये हो पाएगा कि जिन बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है इतना क्लियरली, जो कोर्ट केस कर रहे हैं, उनकी मतलब इन्वेस्टिगेशन होगा या फिर उनकी जांच होगी। और जांच में अगर वो लोग सही पाए जाएंगे जिन्होंने केस किया है कि वो उनके साथ अनफेयर हुआ है या कुछ ना कुछ जालसाजी भी है, तो उनको जॉब डेफिनेटली मिलेगी कोर्ट के ऑर्डर से। अब कई बच्चे सोचते हैं कि उन्होंने केस किया है तो हमें भी मिल जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, जो मैंने आपको एक सर की कहानी बताई थी हमारे वहाँ, कि 15 वाले जब कैंसिल हो गया था, फिर 16 में फॉर्म निकले थे, ऐसा कुछ तो ओवरेज हो गए थे, तो बहुत सारे बच्चे ओवरेज हुए थे। लेकिन वो बता रहे थे उन 40 बच्चों ने केस किया था कैट में और वो जीते थे, और वो सिर्फ उन 40 बच्चों को ऑफलाइन फॉर्म भरने का मौका मिला था। तो अगर कोर्ट केस में वो जीतते हैं जिनके साथ अनफेयर हुआ है क्लियरली, तो वो सबको मौका नहीं मिलेगा, मतलब वो सबके लिए नहीं होगा, वो उनको जस्टिस मिलेगा सिर्फ जिन्होंने केस किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, अगर जांच इंक्वायरी बैठाई जाती है तो उससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। जांच इंक्वायरी बैठाई जाएगी तो आप ये मत सोचो कि उससे, क्योंकि मैंने कहा ना, कमरे के अंदर इंटरव्यू रूम में क्या हो रहा है इसका कोई प्रूफ ही नहीं है, समझ आ रहा है, कोई प्रूफ ही नहीं है, तो आप किस बेसिस पे चैलेंज करोगे। लेकिन अगर इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो एक पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है जो होनी भी चाहिए, अगर इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जाएगा और बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे, तो होगा ये कि नेक्स्ट टाइम ऐसी इररेगुलरिटीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। और याद है जब TGT PGT के रिजल्ट आ रहे थे, मैंने आपको कहा था, अभी तमाशा देखना, हम इसे कहते तेल देख तेल की धार देख, तेल देख तेल की धार देख। मैंने आपको कहा था कि अभी PRT का रिजल्ट आ रहे तो इतने बच्चे रोएंगे, क्योंकि PRT बहुत बड़ा सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा है और जो भी होगा बड़े स्केल में होगा। बाकी और रिजल्ट्स में छोटे छोटे स्केल में हुआ, इसलिए उसकी कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन ये था। तो अगर इस केस को जो कोर्ट केस कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और इसको बहुत बड़े लेवल तक ले जाते, तो होगा क्या, ये धांधलेबाजी रुक सकती है और हो सकता है कि KVS अगली बार या फिर कोर्ट KVS का ऑर्डर दे कि नेक्स्ट टाइम जो इंटरव्यू होगा उसमें वीडियोग्राफी करनी चाहिए। और जो कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी मुहिम चला रहा है, वैसे तो मुहिम कोई नहीं चला रहा, सब अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मुहिम चलाने वाले अलग ही होते हैं, ठीक है, तो मैं भी नहीं चला रहा, ठीक, क्लियरली कह रहा हूँ। तो जो भी आप अगर सही था तो वो ये करता कि एक मुहिम चलाता कि इंटरव्यू में वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ताकि अगर किसी को लगता है मेरे साथ अनफेयर हुआ है तो RTI से वो अपनी वीडियोग्राफी मंगाएगा, और फिर चाहे वो वीडियोग्राफी एक साल बाद आए, डेढ़ साल बाद आए, वो उस बेसिस पे चैलेंज करेगा, ठीक है। तो बहुत सारी इररेगुलरिटीज़ है, लेकिन जो कोर्ट केस हुआ है उसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होगा कि भर्ती कैंसिल होगी, पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि कईयों ने, देखो होता क्या है, YouTube में उम्मीदों का खेल है, मैं आपको उम्मीद दे दूंगा भर्ती कैंसिल होगी, तो जिन जिन का नहीं हुआ, चाहे वो इनके साथ अनफेयर हुआ हो या फिर कोई ऐसा भी हो जो पेपर देने ही ना गया हो, तो वो भी मेरे साथ भीड़ में जुड़ जाएगा, ठीक है ना, भर्ती कैंसिल नहीं होगी। लेकिन जिन जिन का केस है उससे होगा क्या, अगर इंक्वायरी, वैसे इंक्वायरी का पैरामीटर्स क्या होगा ये अभी डिसाइड नहीं है, होती है तो उन्हें ज़रूर चांस मिल सकता है या मिलेगा। और सही डिमांड ये होनी चाहिए थी कि इंटरव्यू की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है,
बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। चैनल को प्यार दिखाते रहें। धन्यवाद।